एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विंडो एनटी, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। विंडो एनटी भी सेम इसका इंटरफेस देखने में विंडो 7 की तरह ही है, ठीक है, लेकिन इसको हम एज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। विंडो एनटी इज ए 32-बिट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिवेलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडो एनटी एक 32-बिट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। विंडो एनटी हैव टू प्रोडक्ट्स। विंडो एनटी के दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। वन इज विंडो एनटी वर्क स्टेशन एंड अदर इज विंडो एनटी सर्वर। एक विंडो एनटी वर्क स्टेशन है और दूसरा जो है विंडो एनटी सर्वर है, ठीक है। विंडो एनटी वर्क स्टेशन इज डिजाइंड फॉर बिजनेस यूजर्स। अब ये जो विंडो एनटी वर्क स्टेशन है वो स्पेशली बनाया गया है बिजनेस टाइकून्स के लिए, जो बिजनेस यूजर्स होते हैं उनके लिए ये बनाया हुआ है, ठीक है। एंड विंडो एनटी सर्वर इज डिजाइंड फॉर बिजनेस मशीन्स दैट प्रोवाइड सर्विस फॉर नेटवर्क अटैच्ड कंप्यूटर विद इंटरनेट। अब विंडो एनटी सर्वर जो है वो डिजाइन किया हुआ है स्पेशल बिजनेस मशीन के लिए जिनका काम है नेटवर्क के साथ कंप्यूटर को जोड़ने का या अपनी वेबसाइट बना के सर्वर पे पब्लिश करने का, ठीक है। तो वो ज्यादातर यूज करते हैं विंडो एंटी सर्वर। मान लो मैंने कोई वेबसाइट बनाई है उसको पब्लिश करना है तो मैं विंडो एंटी सर्वर को यूज करूंगा, लेकिन बाकी मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस के लिए मैं अपना विंडो एंटी वर्क स्टेशन यूज करूंगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। विंडो एंटी सपोर्ट टू फाइल सिस्टम। विंडो एंटी जो है वो दो फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, एक एनटीएफएस है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जिसे एनटीएफएस बोलते हैं और एंड वर्चुअल फाइल एलोकेशन टेबल, और दूसरा जो है वो वीफैट है, ठीक है। अगर हमने फाइल सिस्टम बनाना होगा इसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी ना हार्ड डिस्क की, तो हम एनटीएफएस में और वीफैट दोनों में कर सकते हैं एनटीएफएस के अंदर, इसमें विंडोज एनटी में, ठीक है। एडवांटेजेस और फीचर्स। अब विंडोज एनटी की एडवांटेजेस और फीचर्स क्या क्या है। विंडो एनटी इज ए मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एनटी एक बहुत सारे काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे टास्क जो हम इकट्ठे विंडो एनटी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम डाटा प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, अपना सर्वर चला रहे हैं, वेबसाइट रन कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, प्रिंटर पे काम कर रहे हैं, सेम विंडोज की तरह, दूसरी विंडोज की तरह इसमें भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्किंग की फीचर जो इसमें एडवांस है, एज ए सर्वर यूज किया जाता है वो इसमें फीचर एडवांस है। सेकेंड पॉइंट है, विंडो एनटी इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडो एनटी जो है इसमें के इसके अंदर भी हम बहुत सारे अकाउंट बना सकते हैं, बहुत सारे यूजर जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। विंडो एनटी सपोर्ट मैनी नेटवर्क फीचर्स। अब विंडो एनटी जो है वो बहुत सारी नेटवर्क फीचर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, इसमें बहुत सारी नेटवर्किंग फीचर्स है, तभी तो इसको एज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। इट कैन रन ऑन ओल्डर मशीन। अब इसको बहुत जो पुरानी मशीन्स होते हैं, पुराने कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर भी इसको रन किया जा सकता है, ठीक है। इट इज फास्टर टू ऑपरेट। ये ऑपरेट करने में भी बहुत ज्यादा फास्ट है। इसके अंदर जितने भी हम सॉफ्टवेयर रन करेंगे वो सारे फास्ट चलते हैं, फास्ट ऑपरेट होते हैं, ठीक है। इट इज इजियर टू इंस्टॉल। इंस्टॉल करने में बहुत ईजी है, इंस्टॉलेशन भी इसकी बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, कोई ज्यादा हार्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करनी पड़ती है, इसमें बिल्कुल सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, सिंपल सिंपल सा इंटरफेस आता है इसको इसको रन करने के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस। अब इसकी है डिसएडवांटेजेस, क्या क्या इसमें अवगुण है। इट कैन इन्फेक्ट विद वायरस एंड मॉलवेयर। ये वायरस से और मॉलवेयर से इन्फेक्ट हो सकती है, इसलिए हमें इसके अंदर एंटीवायरस जो है वो डालना ही पड़ता है, ठीक है, लेकिन उबंटू में हमें एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्लियर है। इट में क्रैश इफ वी डू नॉट इंस्टॉल पैचेस। इसमें क्रैश होने लग जाते हैं अगर इसके अंदर हम कुछ अपडेशंस के वाले पैचेस इंस्टॉल नहीं करते हैं, इंटरनेट के साथ इसको कनेक्ट करके इसमें अपडेशन नहीं करते हैं, तो ये क्रैश होने लग जाती है,
इसलिए इसको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है अगर इसका एज ए सर्वर यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रूट यूजर इन लिनक्स। अब रूट यूजर का लिनक्स में क्या पर्पस है, रूट यूजर क्या होता है और लिनक्स में या उबंटू में इसका क्या रोल होता है। ठीक है, अ रूट यूजर इज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सेम विंडोज की तरह अ रूट यूजर इज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। रूट यूजर क्या है, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही है ये। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज सुपर यूजर, जिसको हम सुपर यूजर के नाम से भी जानते हैं लिनक्स और उबंटू के अंदर। ठीक है, विंडो में हम एडमिनिस्ट्रेटर बोल देते हैं और लिनक्स और उबंटू में इसको हम सुपर यूजर या रूट यूजर बोलते हैं। ठीक है, सुपर यूजर हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। अब सुपर यूजर के पास पूरी पावर होती है कुछ भी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर चेंज करना हो बाई लॉग इन विद करेक्ट पासवर्ड, लेकिन हमें सुपर यूजर को लॉग इन करना पड़ता है सही पासवर्ड के साथ। हमें सुपर यूजर का सही पासवर्ड पता होना चाहिए तभी हम सिस्टम के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल यूजर जो है वो लिनक्स और उबंटू के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसके लिए सुपर यूजर एज ए सुपर यूजर और रूट यूजर हमें लॉग इन करना पड़ता है पहले। ठीक है, वी कैन लॉग इन एज द रूट यूजर फ्रॉम आइदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और करेक्टर यूजर इंटरफेस। हम लॉग इन कर सकते हैं रूट यूजर में या तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में या फिर करेक्टर यूजर इंटरफेस, दोनों इंटरफेसेस पे हम रूट यूजर के साथ लॉग इन कर सकते हैं। अ रूट यूजर परफॉर्म ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑपरेशंस। अ रूट यूजर जो है वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, टू लॉग इन विद रूट यूजर और सुपर यूजर टाइप द फॉलोइंग कमांड। अगर हमें एज ए सुपर यूजर और रूट यूजर लॉग इन करना है तो हमें टर्मिनल के अंदर ये कमांड फॉलो करना पड़ेगी। ठीक है, ये कमांड हमें टर्मिनल के अंदर लिखना पड़ेगी अगर उसके अंदर हमने अकाउंट बनाना है या कोई भी चेंजेस करनी है। ठीक है, या किसी यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना है, किसी यूजर को पावर्स देनी है, तो ऐसे लिखेंगे सुडो स्पेस एस और उसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा। इसको हम ग्राफिकली नेक्स्ट डे कर लेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर रूट यूजर के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। व्हाट आर दी कमांड्स फॉर एडिंग डिलीटिंग लॉकिंग एंड अनलॉकिंग अ यूजर इन लिनक्स। अब ये कमांड दी हुई है एज ए अगर यूजर को ऐड करना है, उसको डिलीट करना है या लॉग करना है या अनलॉग करना है, तो ये सारे काम जो है हमें सबसे पहले टर्मिनल या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पहले एज ए सुपर यूजर या एज ए रूट यूजर लॉग इन करना पड़ेगा, तभी ये कमांड जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो पॉइंट है वो है एडिंग यूजर, यूजर कैसे ऐड करना है। ठीक है, द एड यूजर कमांड अलाउ यू टू एड अ सिंगल यूजर टू द सिस्टम। अब ये जो एड यूजर कमांड है ना, ये हमें अलाउ करती है कि हम सिंगल यूजर जो है वो सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस कमांड को हम टर्मिनल के अंदर इस तरह से लिखेंगे सुडो स्पेस एड यूजर स्पेस और यहाँ पे यूजर का नाम, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपना नाम लिख दूंगा यहाँ पे सुनील। ठीक है, सुडो एड यूजर सुनील, यूजर एड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिलीट करना हो तो उसके लिए सेकंड पॉइंट डिलीट यूजर, डिलीटिंग यूजर। द डेल यूजर कमांड अलाउ यू टू डिलीट अ यूजर फ्रॉम द सिस्टम। अब यूजर को डिलीट करना हो तो द डेल यूजर कमांड है उसके लिए, द डेल यूजर कमांड अलाउ यू टू डिलीट अ यूजर फ्रॉम द सिस्टम। अब इस कमांड को हम टर्मिनल में इस तरह से लिखेंगे यूजर को डिलीट करने के लिए सुडो स्पेस डेल यूजर और स्पेस यहाँ पे यूजर का नाम, तो हमारा यूजर जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट आता है लॉकिंग यूजर। अगर मान लो डिलीट नहीं करना है, उसको टेम्प्रेरी हमने लॉक ही कर देना है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो हम क्या करेंगे उसके लिए कमांड है दी पास डब्ल्यू डी स्पेस माइनस एल कमांड अलाउ यू टू लॉक अ यूजर अकाउंट। अब ये जो कमांड नीचे लिखी हुई है ना सुडो स्पेस पास डब्ल्यू डी स्पेस माइनस एल स्टैंड फॉर लॉक, यहाँ पे यूजर नेम जैसे सुनील, हमने यहाँ पे यूजर क्रिएट किया था सुनील, उसको डिलीट नहीं करना है, मान लो लॉक ही करना है हमने, तो हम ये कमांड लिखेंगे और हमारा जो यूजर है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ पे आती है अनलॉकिंग यूजर। अब सेम जैसे लॉक किया वैसे ही हम यूजर को बाद में अनलॉक भी कर सकते हैं, मान लो उसको हमने एक्टिव कर देना है, एडमिनिस्ट्रेटर ने रूट यूजर ने उसको परमिशन देनी है
कि हाँ तू काम कर सकता है कंप्यूटर के ऊपर, तो वो कैसे देगा इस कमांड को। द पास डब्ल्यू डी स्पेस माइनस यू, यू स्टैंड फॉर अनलॉक, कमांड अलाउ यू टू अनलॉक आ यूजर अकाउंट, यहाँ पे यूजर लिख लेना आपने, ठीक है, यू एस ई आर यूजर अकाउंट। तो इस कमांड को हम ऐसे लिखेंगे, सूडो स्पेस पास डब्ल्यू डी स्पेस माइनस यू स्टैंड फॉर अनलॉक स्पेस यूजर नेम, यहाँ पे यूजर का नाम लिखेंगे। इन कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट डे जो है इसको प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारा जितना भी ये कॉन्सेप्ट है, जितना भी कंप्लीट हुआ है, हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप रिवाइज कर लेना। तो फिर हम कल नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे और इसके प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।